मुरादाबाद जनपद के बिलारी में तैनात एसडीएम घनश्याम वर्मा द्वारा फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद के घर पर इसलिए बुलडोजर चलवा दिया गया क्योंकि कारोबारी ने लगभग पौने 3 लाख रुपए एसडीएम से उस फर्नीचर के मांग लिए थे जो एसडीएम ने अपने घर के लिए और अपनी डिप्टी जेलर बेटी के लिए खरीदा था। फर्नीचर कारोबारी ने एसडीएम और उनके डिप्टी जेलर बेटी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए अब इसकी शिकायत मुरादाबाद कमिश्नर सहित कई उच्च अधिकारियों से की तो हड़कंप मच गया। फर्नीचर कारोबारी का कहना है कि अगर उन्हें मुरादाबाद प्रशासन से न्याय नहीं मिलता तो वो कोर्ट की शरण में जाने को मजबूर होंगे। वहीं डीएम मुरादाबाद ने माना है कि शिकायत की गई है, उसकी जाँच कराई जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? जाहिद अहमद। जाहिद जी, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई थी कि फर्नीचर मैंने बना के दिया था एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा जी को जी। फिर क्या हुआ? फिर जो है, फिर इन्होंने अपनी बेटी का बनवाया अलका वर्मा, डिप्टी जेलर हरदोई। फिर वो गाड़ी में भरवा के भेजा, बिल देने पे चढ़ गए। बोले हम, मैं एसडीएम बिलारी हूँ, आपने बिल कैसे दे दिया? और मैं आज ही आप शाम तक को दिखा दूँगा मैं क्या चीज़ है। फिर नोटिस, शाम को ही नोटिस बनवाया, भिजवा के फौरन बुलडोजर की तैयारी कर ली मकान गिराने की। तो आपको मकान गिरा दिया गया है? दीवार तोड़ दी है पूरी, फाटक तोड़ दिया गया है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते? हमसे ज़्यादा हमारा पेमेंट मिले और न्याय मिले। जिस नंबर का नोटिस दिया वो नंबर पे कब्जा ना आया हमारा, अगर कब्जा आया तो तोड़ दें। जाहिद अहमद। जाहिद जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरा एक बार पहले फर्नीचर गया था, फिर दूसरी बार गया। कहाँ पर गया था? पहले बिलारी और मुरादाबाद सरकारी आवास पर। फिर बाद में जो है, बोले ये फर्नीचर बहुत अच्छा लगा और अब मेरा दूसरा, मेरी बेटी के लिए। एसडीएम घनश्याम वर्मा जी। फर्नीचर व्यापारी जाहिद द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई की भी मांग की गई है। उसमें ये बताया गया है प्रार्थना पत्र में कि आपने 2,68,000 का फर्नीचर लेकर पैसे नहीं दिए, मांगने पर उनका घर को जो है बुलडोजर द्वारा तोड़वा दिया गया। क्या पूरा मामला है सर? उनका यह आरोप बिल्कुल असत्य है। सत्य यह है कि दिनांक 9 अप्रैल को नगर पालिका परिषद बिलारी के सभासद चेतेंद्र सिंह द्वारा IGRS पोर्टल पर एक शिकायत की गई जिसमें तालाब की भूमि पर कब्जा बताया गया। उसकी जांच करके रिपोर्ट प्रेषित की गई, परंतु दिनांक 12/6/2022 को शिकायतकर्ता से जब बात की गई तो उनका फीडबैक आया कि वो शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट नहीं है। इस पर पुनः जांच कराई गई। यह संदर्भ दिनांक 12/7/2022 को डिफाल्टर की श्रेणी में आने वाला था, इसलिए इस पर तत्काल लेखपाल को जांच के लिए निर्देशित किया गया। लेखपाल कानपुर द्वारा जाँच की गई, जिस पर तहसीलदार बिलारी ने अपनी आख्या दिनांक 7/7/2022 में अवगत कराया गया कि 84 वर्ग मीटर जमीन पर जाहिद पुत्र दूला शेख का कब्जा है। जिस जमीन पर कब्जा है वह जमीन तालाब की है। इसी आख्या के आधार पर दिनांक 7/7/2022 को जाहिद को एक नोटिस जारी की गई कि वो 10/7/2022 तक उस कब्जे को हटा लें, अन्यथा की स्थिति में उनका कब्जा बलपूर्वक हटा दिया जाएगा और उनके हर्जा खर्चा वसूल किया जाएगा। जब ये नोटिस जाहिद को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया, जबकि नोटिस उनको दिनांक 7/7/2022 को ही प्राप्त करा दी गई थी, श्रेणी में आने वाला था। इसलिए जब जाहिद द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया तो दिनांक 12 जुलाई को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम भेजी गई कब्जा हटाने के लिए, लेकिन तालाब गहरा था, जेसीबी धंस जा रही थी, इसलिए पूरा कब्जा नहीं हटाया जा सका। इससे क्षुब्ध होकर दिनांक 11 को ही इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें इनके द्वारा फर्नीचर की कोई बात नहीं कही है, उसमें फर्नीचर का उल्लेख नहीं किया गया। इसके बाद इन्होंने दिनांक 13 को पुनः शिकायत दिया, जिसमें इनके ऊपर कथित आरोप लगाए गए कि मेरे द्वारा इनको फर्नीचर दिया गया और इन्होंने पैसा मांगने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की है, जबकि सत्य यह है कि देश बस कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तालाब
परसेत करना हटाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के क्रम में इनको नोटिस दी गई थी और कब्जा पाए जाने पर इनका कब्जा हटाने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा कही गई बातें बिल्कुल असत्य है। मेरे द्वारा इनसे कोई भी फर्नीचर क्रय नहीं किया गया। देखिए उसमें उस प्रकरण में दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि एक व्यक्ति ने वहाँ के स्थानीय तालाब पे कब्जा किया, उनके खिलाफ ये शिकायत है। जिनके द्वारा कब्जा किए जाने के जिनके विरुद्ध शिकायत है उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि वहाँ के SDM ने उनसे फर्नीचर बनवाया, उसका पूरा भुगतान नहीं किया। दोनों प्रकरण एक दूसरे से मे बी के लिंक हों, इस प्रकरण की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया गया है। वो जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जैसे ही रिपोर्ट आती है जो भी उस पर कार्रवाई होगी, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जो जो वहाँ पे विक्टिम है, विक्टिम का ये कहना है एप्लीकेंट का कि घाटा संख्या उसकी नहीं थी, नोटिस की जो दर्ज थी वो दूसरी की थी, फिर भी उसके घर को गिरा दिया। नहीं देखिए, इसीलिए जांच का बिंदु है कि मे बी कि उनका कहना सही हो, प्रीजुडिस होने का कोई औचित्य नहीं कि पहले से प्रीजुडिस हुआ जाए। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। पीड़ित का कहना यह है कि ATM उन्होंने जो है ये आश्वासन दिया था कार्रवाई ना करने के लिए, नोटिस जारी करा गया था SDM को, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है जबरदस्ती जाकर के ये तोड़ा। तो क्या स्टार्टिंग में अभी कोई इन पर कार्रवाई नहीं? देखिए बेसिक बताया ना कि दो पहलू है, एक तालाब पे कब्जा करने का पहलू है, दूसरा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दोनों पहलू पे जांच की जा रही है। अगर तालाब पे कब्जा नहीं है तो उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो उनकी ज़मीन है उनकी रहेगी। लेकिन अगर कब्जा है तो निश्चित रूप से उस कब्जे को हटवाया जाएगा और अगर उस पर SDM की कोई फॉल्ट है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित ने शिकायत कहाँ दर्ज की? पीड़ित ने मेरे यहाँ शिकायत की है।